भाई साहब, वैसे नहाने से परहेज करना है, पानी से वैसे एलर्जी है। तेज प्रेशर है, बहुत तेज। तो जी फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हमारा ये डब्बू पैदा हुआ था। आज इसका है बर्थडे। तो सोचा यार बर्थडे तो हर हमेशा घर में टाइम पास करते हैं, आज कुछ अलग किया जाए। आज एक शेरनी को शेर से मिलाया जाए। उस शेरनी को शेर से मिलाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? पापा बताएंगे। पापा आप बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? मम्मी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क। हम चारों निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क के लिए। सुबह 6 बजे का टाइम है, खाली हाईवे है और हमारा मैप दिखा रहा है कि हम 4.5 घंटे में जिम कॉर्बेट पार्क पहुंच जाएंगे। अब किसी ढाबे को देखो, खाने खाने की भूख लग रही है। वालों ने मचा दिया शोर कि चाय पीनी है। मैं टारगेट सेट करके चला था कि 8:30 रुकूंगा, अभी बजी 8। अब इन्होंने शोर मचा दिया है कि भैया रोको रोको रोको। अब बताओ ढाबा नहीं आ रहा, कैसे रोको? पापा कह रहे हैं मैं दरवाजा खोल रहा हूँ गाड़ी का। पापा रुकोगे 10 मिनट या दरवाजा खोलूं? तो कर रहे हैं। हम तो सो रहे हैं। हम तो सो रहे हैं। तो ये हम छोटे से पर रुके हैं क्योंकि हमें सिर्फ चाय लेनी है। तो बस चाय लेंगे और 15 मिनट का टाइम है क्योंकि खाना हमारे पास ऑलरेडी है। चलो अब रात को भाई चावल बनाए थे, रात वाले चावल ही ले आए हैं टाइम पास के लिए, अब वही खाएंगे। ढोकला खाना, ढोकला निकालो। सुबह सुबह ढोकला मैं खाऊंगी इसमें। और खा लो, उसको निपटा लो, वो खराब होने वाली चीज है, वो खराब हो जाएगा। ढोकला है इसमें। ओ भाई ढोकले का रस निकल गया होगा इतना सारा, क्या वो कैसे निकल रहा है? जैसे टंकी चला दी हो इसके अंदर। ये क्या बिस्किट की सेल लगी है क्या? दस दस रुपए अपने खुल रहे हैं भैया चावल। धन्यवाद भैया भाई। सुबह सुबह घर का बना हुआ खाना और हाईवे पे मजा यार। तो जैसा मैंने बताया मैडम का आज बर्थडे है, तो आज इस हाईवे पे ही इसका केक काटेंगे। क्योंकि ना रात को ना टाइम थोड़ा कम हो गया था, तो हमने प्लान किया कि इसका केक हम हाईवे पे ही काटेंगे, कुछ अलग ही करते हैं। आ जाओ, हैप्पी बर्थडे, पकड़ो पापा। खुद ही ये मोमबत्ती जलाओ। मक्खी भी साथ में। ट्रक और तेरी शक्ल एक जैसी है, सुंदर है ना दोनों? हाँ दोनों एक जैसे हैं। खूबसूरती ऐसे ही मिल जाती है, नसीब से देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मेहनत करो। बट आपको ये चलाना आता है? इसमें से बहुत निकलेंगे कुछ। करो स्टार्ट, करो जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। तो 62 किलोमीटर और रह गया, बट टाइम दिखा रहा है 2 घंटे, क्योंकि यार इसने ना हमें ना गूगल मैप ने अंदर का रास्ता दिखाया और रोड से यार काफी खराब है। 68 किलोमीटर के ऑलमोस्ट 2 घंटे दिखा रहा है। आ गई चुक-चुक। अरे ये तो बहुत स्लो आ रही है। बाय। मुरादाबाद। काफी टाइम बाद हमने ये फाटक क्रॉसिंग देखी है। ये रामनगर मुरादाबाद जा रही है, रामनगर के लिए। पार्क 43 किलोमीटर्स। पहाड़ भी शुरू हो गए हैं और पूरा जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो ओपन जीप वगैरह, सफारी जीप वगैरह सब दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो अब यार एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है। ग्रीनरी देखो भाई, ग्रीनरी जगह के मजे है भाई। इस जगह के मौसम नो डाउट थोड़ा गर्म है, लेकिन भाई ग्रीनरी मजेदार, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। रात को ठंड होगी यहाँ पे, पक्की बात है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या हुई? रास्ते में भाई बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, बिल्कुल भी जीरो ट्रैफिक। सबसे ज्यादा मजेदार बात यही लगी। पूछ
कुछ नहीं गए, जिस रोड पे हमने जाना है वो रोड ये लोग बना रहे हैं। और यहाँ पे मैप में यही दिखा रहा है बार बार, कौन सा रास्ता। अरे वो आगे से कह रहा है अंदर उड़ जाओ, 50 मीटर आगे में कच्ची रोड है। अच्छे से रास्ते से, जंगल के रास्ते से जाना है, मुझे शेर यही ना खा जाए। आ जाओ, आ जाओ। ये तो बंद कर लो भाई, बहुत धूल मिट्टी है। बताओ भैया। अरे भैया फॉरेस्ट में नहीं लिया था हमने, ये तो बिल्कुल फॉरेस्ट में ही दे दोगे क्या। इन्होंने तो हमें ऐसा दे दिया कि जैसे जंगल के अंदर ही अपना वो टेंट लगाओ और सो जाओ। भाई साहब क्या रास्ता है। जाएंगे कैसे? अच्छा इधर से लेफ्ट से लेना है। कौन सा ये इधर रास्ता? अच्छा ये क्या है, स्कूटी के रास्ते में गाड़ी कैसे जाएगी? ओ भाई साहब, अच्छा ये रोड बन रही है, ये देख। बिल्कुल हल्के से लेना भाई, अरे स्लो स्लो। भाई साहब इन्होंने पूरे फॉरेस्ट के मजे कराने हैं हमें, ऊपर अच्छा नहीं चढ़ेगी भाई, कच्चा रास्ता ये है। गाड़ी निकल जाएगी आगे झाड़ रखी हुई है, फिर आगे झाड़ है हमें। ये फिर नीचे उतरना है क्या? हाँ फिर नीचे उतरना है। क्या हो रहा है भाई? हमारी गाड़ी ना, हम वो नहीं लाए हुए यहाँ पे, कार कार नहीं है हमारी। इतना सा सिंगल सा रास्ता है, आओ सारे मिलके आओ, मिलके आएंगे मिलके। सब मिलके जाएंगे, सफारी तो यहीं से शुरू हो रही है। चलो। अरे यार क्या रास्ता है, गंदे वाला। अभी तो कहे थे मक्खन हाईवे, मक्खन हाईवे, बस वो नजर ही लग गई। ये लो ये सारी मक्खन की टिकिया रखी है इधर। ओद बेटे, ये दादी कहाँ जा रही है? कश्मीर एनिवर्सरी पे हम कश्मीर चले जाते थे, खाई में गाड़ी गिरने लगती है। बर्थडे पे यहाँ आ जाते हैं भाई, दोनों कैसे जाएंगे? ओए ओए उसको बोलो भैया, तेरा कुछ नहीं जाना, अपना कुछ नहीं रहना। अब आई है फाइनली सड़क, ये भी साइड में। वाह ये देखो झटके खाते ही खुल गया है, तो ये देखना कैसे कैसे पेड़ वेड़ पड़े हैं साइड में। रिजॉर्ट हंट चल रही है, पता नहीं कब मिलेगा यार, थक गया भाई मैं तो। यहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, और यहाँ पे गूगल मैप नहीं चल रहा, नेटवर्क आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, तो है नदी भी बह रही है, नदी में पानी भी है। ओ भाई और बाप रे, ये तो फिर दोबारा हम ऐसे रास्ते पे आ गए। ये तो मुझे काल मूवी है ना, काल मूवी, उसकी याद दिलाई। मुझे लग रहा है सामने शेर ही दिख जाएगा। हाँ वो अजय देवगन होता है तुमके साथ, वो किसी को नहीं दिखता है। पहुंच गए इधर फाइनली यार, इतने कच्चे कच्चे रास्तों से आके बताओ यहाँ पे पहुंचे हैं हम लोग। देखते हैं बाहर से तो ठीक लग रहा है, बाकी अंदर देखते हैं। पहुंच गए हम लोग, आखिरकार पहुंच गए। तो टाइम हो गया 12:20, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और हमारा 1 बजे के करीब 1 से 3 का टाइम है लंच का। हमारा वैसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूडेड है, तो हमारा भी लंच का टाइम है 1 बजे हो जाएगा, अभी फटाफट हो जाएगा हम लोग करके। देन उसके बाद 2 बजे सफारी का टाइम है, 2 बजे सफारी करके देन हम आएंगे और डिनर करेंगे और आराम से सो जाएंगे। जो मुझे गहरी नींद आ रही थी ना गाड़ी में, मतलब बहुत तेज, और ये प्राणी मुझे, अरे तू रास्ते देख, तू रास्ते देख, तू रास्ते देख। क्या अभी मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, ठीक है? ये एंटर करते हैं, यहाँ पे जो है ये रखा हुआ है आपका टेबल सोफा जो भी है वो रखा हुआ है। ये है बाथरूम,
ये बॉम्बिंग एरिया बाथरूम काफ़ी बड़ा है यार, ये बॉम्बिंग एरिया, ये वॉश बेसन है, बस यही है। बाकी ये है आपका बेड, यहाँ टीवी लगा हुआ है और छोटी सी टेबल, और ये यहाँ पे भी है। नहीं नहीं क्या देख खराब कर रहे हो। और यहाँ से बाहर आते ही ये आपका पूरा रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट में हम अकेले हैं भैया लोगों के अलावा, पापा पे स्विमिंग पूल भी जा रहे हैं। और वो है वहाँ पे नदी बह रही है, देखेंगे उस नदी का कुछ कर सकते हैं। दो मिनट का रास्ता बस, दो कदम का, मतलब सड़क पार करते ही, ये पार करते ही आपकी नदी है। तो एक बार तो देखो, दर्शन करने जरूरी है, ये तो बनता है एक बार देखना। तो जो है रेडी होते हैं और लंच। एयरटेल 5G में नेटवर्क नहीं है, और जियो में नेटवर्क है। जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ जियो चलता है, प्रमोशन नहीं है, धोखा देता है बहुत ज्यादा। I'm dreaming in dreams, bigger.